नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, ग्लैंड फार्मा ये वो स्टॉक है जो ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 2900 इसके आसपास जब ये स्टॉक आएगा तो बाइंग के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। उस समय कई लोगों को बात लगी नहीं थी कि ये स्टॉक यहाँ तक टूट सकता है, लेकिन हाँ, वहाँ तक तो टूटा ही, उससे भी और ज्यादा करेक्ट होकर के ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और इसके सामने आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस भी लग रहे हैं। और क्वार्टर फोर के नतीजे के बाद ये बड़ी गिरावट क्यों हुई, इसमें चर्चा करूंगा। क्यों ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बहुत ज्यादा बुलिश हो रहे हैं स्टॉक में, और एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक कोई अगर ऐसी एपीआई कंपनी खरीदना चाहता है तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, ये ग्लैंड फार्मा 0.90% गिरावट दिखा है। कब? लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे में, जब पूरा बाजार सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तब फार्मा सेक्टर, आप देखिए फार्मा का ये स्टॉक ग्लैंड फार्मा लगभग 1% टूटा है। और देखिए, ये टूटने का जो सिलसिला है इतना भयंकर हो चला है। आप बस एक साल देखिए, इसने जो चाहिए, देखिए जो एक क्लासिक रन अप दिया था, आप ये सेक्शन देखिए, क्लासिक रन अप दिया, उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। बात करें अगर हम ऊपरी स्तरों से, तो आप देखिए इसने जो हाई लगाया था 4316, उसके बाद से जो गिरावट 35% ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, और खास करके Q4 के बाद। देखिए, कि इतना ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक था दोस्तों, इतना ज्यादा कि उसके बाद जो Q4 के नंबर आए ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। और आपको मैंने हमेशा कहा है, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा प्रीमियम में ट्रेड करता है और उसमें कोई नेगेटिव या कह लीजिए नॉर्मल से भी रिजल्ट आते हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गिरावट आप स्टॉक में देखते हैं, और वही हो रहा है ग्लैंड फार्मा में, ठीक है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए आगे देखिए, अगर थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में बात करें तो आप पाएंगे अ होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पेंसिंग हेल्थ थ्रू अ पोर्टफोलियो ऑफ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स एंड डिलीवरी सिस्टम हैज हेल्प्ड द कंपनी एक्सपैंड टू 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। देखिए, बेसिकली एक इंजेक्टेबल बिजनेस में काम करती है, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जो भी तमाम प्रकार के वैक्सीनेशन होते हैं इन सब में कंपनी काम करती है। और इसकी जो कह लीजिए आप, इतना ज़्यादा अच्छा इसका क्या आप कह सकते हैं काम है, कि अब तक ये 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना चुकी है इंडिया में विद अ कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 750 मिलियन यूनिट्स, 750 मिलियन यूनिट्स की इसकी कैपेसिटी है। दिस इंक्लूड्स 4 फैसिलिटी विद 22 प्रोडक्शन लाइन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन एंड 3 API फैसिलिटीज, ठीक है। 3 API फैसिलिटीज के साथ साथ आप देखिए इसके पास जो 22 प्रोडक्शन लाइन है वो फिनिश फॉर्मुलेशंस के हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी एंड ऑप्थेल्मिक सेगमेंट्स, एंड फोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल इंक्लूड NC फंड्स फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट एंड 505 B2 फाइलिंग्स। यानी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इंजेक्टेबल्स ये प्रोड्यूस कर सकती है ग्लैंड फार्मा, और ये इसकी बहुत बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक उपलब्धि है, ठीक है। द कंपनी हैज रिमेन ऑन ट्रैक टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पाइपलाइन एंड बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट कमर्शलाइजेशन। द रेप्यूटेड फार्मा प्लेयर इज यूटिलाइजिंग ऑल लीवर्स, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन टू ग्रो द ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली भाई ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह अपनी जो एक्सपेंशन है वो कर रही है, जियोग्राफिकल नए नए जियोग्राफिकल एरिया में जाके अपने आप को बढ़ा रही है। और जो ये है एक ज़बरदस्त एक एक्सपर्ट इंजेक्टेबल एक्सपर्ट बिजनेस की कंपनी है, जिसके पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की पाइपलाइन की भी आप कह सकते हैं पूरी की पूरी एक रेंज है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए जो एक ब्रोकरेज है फार्मा स्टॉक में रैली 27% ब्रोकरेज की अपसाइड, 27% की तेजी अब इसमें बात हो रही है दोस्तों। ग्लैंड फार्मा रिमेन ऑन ट्रैक टू डिलीवर ग्रोथ एंड ब्रोकरेज, और ब्रोकर का कहना है कि भाई ग्लैंड फार्मा जो है ना ये ग्रोथ के ट्रैक में रहेगा आने वाले समय में। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है क्या है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आप देखिए इधर, ग्लैंड फार्मा रिमेन ऑन ट्रैक टू डिलीवर ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम इट कंटिन्यू टू बी विजिलेंट अबाउट नॉट बीइंग ओवर डिपेंडेंट
ऑन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफी में ही ओवरली डिपेंडेंट हो जा रही है, और वो यूनाइटेड स्टेट। ये किसका कहना है? ये कहना है निर्मल बांग का, इन नोट एज इट्स होस्टेड द ग्लैंड फार्मर मैनेजमेंट एट इट्स एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द कंपनीज बिजनेस आउटलुक। ठीक है, उन्होंने ये जो आप कैसे जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होती है उनमें इन्होंने कहा है कि भाई आप जो ना पूरा फोकस सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स पे ना करें। आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए, इट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द स्मॉल मॉलिक्यूल बिजनेस एंड recognizes the need to build capabilities around large molecule biologics। देखिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेगमेंट में ही थे, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमें एक लार्जर वे में बढ़ना है, तो वो भी ये कर रहे हैं। इट कंटिन्यूज टू चेस CDMO अपॉर्चुनिटीज ऑन द बायोलॉजिक्स फ्रंट एंड दस लिवरेज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ड फॉर वैक्सीन। ठीक है, विथ 30,000 million rupees in cash, acquisitions remain a key growth lever। It continue to build option on this front। ठीक है, देखिए एक कैश रिच कंपनी है, तो इन ऑर्गेनिक तरीके से थ्रू एक्विजिशन ये भी इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। द ब्रोकरेज हाउस हैज अ बाइंग रेटिंग ऑन ग्लैंड फार्मा शेयर विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 3,575 अपीस, इंप्लाइंग अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 27% फ्रॉम द करंट स्टॉक लेवल। द फार्मा स्टॉक हैज फॉलन अबाउट 28% 22 ईयर टू डे सो फार, वेरी स्लो डाउन ओवर 10% इन ईयर्स पीरियड। ठीक है, 10% का स्लो डाउन दिखा गया है इन ईयर पीरियड। और देखिए, जब पेंडेमिक था बहुत अच्छे रन अप हो चुके, स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका था और हाईली प्रीमियम में अवेलेबल था। अब जब ये चीजें हो रही हैं तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन और आ सकता है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म जब इतना अच्छा करेक्ट हो चुका है ग्लैंड फार्मा, तो एक ब्रोकरेज हाउस 727% की एक कह सकते हैं आप तेजी की बातें भी कर रहे हैं। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ये जो लेवल है ग्लैंड फार्मा के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा पेन आता है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिएगा। ग्लैंड फार्मा एज अ कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक में रहेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यदि ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।